नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 मई दिन सोमवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आज पांचवें चरण के तहत इन सीटों पर होगा चुनाव। बिहार में इस दिन तक मॉनसून का हो सकता है प्रवेश। बिहार की विश्व प्रसिद्ध रसीली शाही लीची का छिलका भी अब आएगा काम। बिहार के 173 कॉलेजों में प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती के लिए इस दिन से आवेदन शुरू। स्कूल में FLN किट का उपयोग नहीं करने पर हेडमास्टर पर होगी कार्रवाई। जानिए ज्यादा स्टार वाले फ्रिज या AC क्यों होते हैं बेहतर। RCB को IPL ट्रॉफी जिताने के लिए संन्यास से वापसी को तैयार क्रिस गेल। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में निकली भर्ती। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में भर्ती निकली है। ये भर्ती कुल 108 पदों पर निकाली गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जून 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.civilaviation.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को स्नातक पास होना जरूरी है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में आज पांचवें चरण के तहत इन सीटों पर होगा चुनाव। बिहार में आज पांचवें चरण का चुनाव मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और हाजीपुर लोकसभा सीटों पर होने वाले हैं। ये चुनाव सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगा। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इन सभी 5 लोकसभा सीटों पर कुल 95,11,186 मतदाता अपनी मतों का प्रयोग करेंगे। इनमें 49,99,627 पुरुष मतदाता हैं और 45,11,258 महिला मतदाता हैं। वही 309 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। इन सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 9,436 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी 5 लोकसभा सीटों पर 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 6 प्रत्याशी महिला और 74 पुरुष प्रत्याशी हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नीतू चंद्रा के बारे में। नीतू चंद्रा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। नीतू ने अपनी पढ़ाई भी पटना से ही पूरी की। इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में अपनी प्रतिभा को पहचान लिया था, जिससे कि उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग और एक्टिंग के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उन्होंने विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा, जहां जानी मानी कंपनियां उन्हें अपना स्टार फेस बनाना चाहती थी। जिसके बाद नीतू ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई, जहाँ काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्हें गरम मसाला, 1, 2 का 4, ट्रैफिक सिग्नल, रन, नो प्रॉब्लम अपार्टमेंट, ओए लक्की लक्की ओए जैसे फिल्मों में काम करने का मौका मिला। बिहार में इस दिन तक हो सकता है मॉनसून का प्रवेश। चल रही भीषण गर्मी के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल मौसम विभाग द्वारा इस बार मॉनसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक इस बार सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है और पिछले 2 दशकों का रिकॉर्ड टूट सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक केरल में समय से पहले अगर मॉनसून आता है तो बिहार में समय से पहले ही मॉनसून आने की संभावना है। बीते साल 13 जून को पूर्णिया के रास्ते मॉनसून बिहार में प्रवेश किया था। इस बार भी संभावना जताई जा रही है कि 18 से 19 जून के बीच बिहार में मॉनसून आएगा। सरकारी स्कूल के बच्चों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए बोरिंग लगाने के लिए मिले निर्देश। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए बड़े पैमाने पर बोरिंग करवाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने लक्ष्य तय किया है कि बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक सभी स्कूल में पानी की उपलब्धता निरंतर बनी रहे। जिन भी स्कूलों में बोरिंग नहीं लगे हैं, वहां बोरिंग की सुविधा बहाल हो सके, इसकी तैयारी चल रही है। सभी जिलों में बोरिंग की अपडेट रिपोर्ट विभाग ने मांगी है। इस रिपोर्ट से शिक्षा विभाग ये जानने की कोशिश करेगा कि अब तक कितने स्कूलों में बोरिंग की सुविधा है और कितने स्कूलों में नहीं है। स्कूल में आधारभूत संरचना के लिए भेजी गई राशि से ही सभी को बोरिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल के शौचालयों में नल से पानी की आपूर्ति करवाई जाएगी। इसके अलावा पेयजल और हाथ धोने के लिए भी अलग से नल लगाए जाएंगे। पांचवें चरण के मतदान के लिए लोगों को मिलेगी निर्बाध बिजली की सुविधा। लोकसभा के पांचवें चरण के मतदान के दौरान सभी लोकसभा सीट पर सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति करवाई जाएगी। पांचवें चरण का ये मतदान मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा, मधुबनी और हाजीपुर में 20 मई को होने वाला है। सुचारू रूप से बिजली की आपूर्ति करवाने को लेकर मुजफ्फरपुर, छपरा और दरभंगा विद्युत आपूर्ति अंचल कार्यालय में बिजली विभाग के अभियंताओं द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जानकारी मिली है कि लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की छुट्टी मतदान के दिन केवल आपातकालीन स्थिति में ही दी जाएगी, वरना सभी पदाधिकारी अपनी ड्यूटी पर सख्ती के साथ तैनात रहेंगे।
जानिए ज्यादा स्टार वाले फ्रिज या एसी क्यों होते हैं बेहतर। जब भी हम बाजार में फ्रिज या एसी या अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खरीदारी करने जाते हैं तो कई बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें प्रोडक्ट का ब्रांड और उसके प्राइस आदि। इस दौरान उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे फ्रिज और एसी जैसी चीजों पर रेटिंग का ध्यान देना भी जरूरी है। जिस प्रोडक्ट पर पूरे 5 स्टार होंगे इसका मतलब है कि वो ज़्यादा अच्छा होगा। 5 स्टार वाले प्रोडक्ट 3 स्टार वाले प्रोडक्ट की तुलना में कम बिजली खपत करते हैं। 5 स्टार वाले एसी या फ्रिज 3 स्टार वाले फ्रिज या एसी की तुलना में आवाज़ भी कम करते हैं। बिहार के 173 कॉलेजों में प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती के लिए इस दिन से आवेदन शुरू। अगस्त तक अस्थायी प्रिंसिपल की नियुक्तियां बिहार की यूनिवर्सिटीज के कॉलेजों में की जाएंगी। प्रिंसिपल की नियुक्तियों को लेकर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें बिहार के 12 विश्वविद्यालयों के 173 कॉलेजों में प्रिंसिपल के पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में होने वाले हैं। यहाँ कुल 30 रिजर्व किए गए प्रिंसिपल और बैकलॉग के 2 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तारीख 25 जून। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे गरही बांध के बारे में। गरही बांध जमुई जिले का एक प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। ये जमुई जिले में खैरा ब्लॉक में स्थित है। जमुई मुख्य शहर से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर ये बांध स्थित है। यहाँ पर आप बाइक और गाड़ी से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सुंदर जलाशय देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ जलाशय बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आप नहाने का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर बरसात के समय पानी ओवरफ्लो होकर बहता है, जिसका दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ पर आपको पहाड़ी का दृश्य भी देखने को मिल जाएगा। ये जगह प्राकृतिक है। ये जमुई का एक पिकनिक स्पॉट है। आप यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। पटना और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में इतने बच्चों ने किया आवेदन। 4 वर्षीय स्नातक और 3 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया राजधानी पटना के प्रमुख विश्वविद्यालय पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में भी चल रही है। शनिवार के दिन तक नामांकन के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में लगभग 85,000 आवेदन आए थे। वहीं पटना विश्वविद्यालय में करीब 10,000 आवेदन आए थे। आपको बता दें कि नियमित कोर्स के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 83,000 बच्चों ने आवेदन किया है, तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए 2,000 बच्चों ने आवेदन किया है। ठीक ऐसे ही पटना विश्वविद्यालय में भी 8,000 बच्चों ने नियमित स्नातक के लिए 2 और 2,000 बच्चों ने सेल्फ फाइनेंस के लिए आवेदन किया है। पटना विश्वविद्यालय में आवेदन की आज अंतिम तारीख और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आवेदन की अंतिम तारीख 25 मई। बिहार के विश्व प्रसिद्ध रसीली शाही लीची का छिलका भी अब आएगा काम। बिहार के विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट और रसीली शाही लीची के फल के साथ ही उसका छिलका भी बड़े काम का है। यूं तो हम लीची के फल का मजा लेकर उसके छिलके कूड़े कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी BAU के वैज्ञानिकों ने इस पर कुछ शोध किए हैं, जिसमें इन छिलकों से अब अच्छी कीमत भी मिल सकेगी। दरअसल लीची के छिलके के रंग से दूसरे खाद्य पदार्थों को पौष्टिक बनाया जाएगा, साथ ही उसे लीची का रंग देकर आकर्षक भी बनाया जाएगा, जिससे अब लोगों को लीची के छिलके फेंकने की जरूरत नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने इस संबंध में बताया है कि लीची के छिलके के लाल रंग से एंथोसायनिन पाया जाता है। इसमें काफी मात्रा में पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जिसे निकालकर जूस, केक, आइसक्रीम और कैंडी जैसे खाद्य पदार्थ में मिलाया जा सकता है। इस तरह से फोन फटने के हादसे को रोक सकते हैं आप। कई बार आपने फोन फटने की खबर सुनी होगी। अगर आप भी अपने फोन को फटने से बचाना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ओरिजिनल चार्जर से ही अपना फोन चार्ज करें। अगर आपका ओरिजिनल चार्जर खराब भी हो गया है तो आप ऑथराइज्ड स्टोर से नया ओरिजिनल चार्जर खरीदें। आपको अपने फोन को कभी भी सूरज की रोशनी में डायरेक्ट रखकर चार्जिंग पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे फोन हीट हो सकता है, जिससे फटने के संभावना बढ़ती है। अगर आपका मोबाइल किसी भी कारण गर्म हो रहा है तो आप इसे यूज करना बंद कर दें। जब फोन नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तभी इसको यूज करें। सस्ती बैटरी से भी फोन फट सकता है। कुछ लोग फोन को चार्जिंग पर लगाकर कॉल पर बात करते हैं या फिर फोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आपको ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिना अनुमति के विज्ञापन में अपनी तस्वीर देख गुस्साएं तिरहुत रेंज के IG शिवदीप लांडे।
एक विज्ञापन में तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे की तस्वीर बिना उनकी अनुमति के दिखाई गई थी, जिसे देखते ही वे भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने अब इस मामले की मुजफ्फरपुर के नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। टाउन SHO विजय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि तिरहुत रेंज के आईजी की तस्वीर का इस्तेमाल शहर में हो रहे एक टैलेंट हंट शो से जुड़े विज्ञापन में किया गया था, जिसके बाद 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। इस मामले में बताया गया है कि किसी की तस्वीर उनके बिना अनुमति के विज्ञापन में इस्तेमाल करना, वो भी निजी व्यवसाय को समृद्ध करने के लिए, तो ये फ्रॉड की श्रेणी में आता है। इसलिए अब इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में FLN किट का उपयोग नहीं करने पर हेडमास्टर पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री FLN किट और कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए विद्यालय किट भेजी है। इसका वितरण बच्चों के बीच करना जरूरी है। यदि बच्चों के बीच इसका वितरण नहीं होता है तो हेडमास्टर इसके जिम्मेवार होंगे और फिर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्कूलों को कहा गया है कि FLN किट और विद्यालय किट का वितरण और इसके उपयोग से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त कर इसे समेकित रूप से बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाए, जिसके लिए 3 दिनों का समय दिया गया है। यदि निरीक्षण के दौरान इस किट का उपयोग कक्षा में नहीं पाया गया तो ये किट हेडमास्टर के कार्यालय में अगर हुआ तो उन पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर 20 से 24 मई के बीच गर्मी से राहत की संभावना। प्रदेश में 20 से मई से 24 मई के बीच अधिकतर जिलों में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग द्वारा तापमान में 3 डिग्री गिरावट की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में उत्तरी, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और तेज हवा की संभावना जताई गई है। आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। शिक्षा विभाग ने स्कूल से अनुपस्थित पाए गए 25 शिक्षकों पर की कार्रवाई। बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। विद्यालयों में लगातार शिक्षकों और स्कूल की व्यवस्था की जांच चल रही है। साथ ही स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई करने के साथ ही उनके वेतन में भी कटौती की जा रही है। अब एक बार फिर से बिहार के औरंगाबाद में जांच के दौरान 25 शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित पाए गए थे। स्थापना DPO दयाशंकर सिंह ने बताया कि 13 मई को विद्यालय की जांच के दौरान 25 शिक्षक बगैर किसी सूचना के अनुपस्थित थे, इसलिए उनके वेतन में कटौती की जाएगी। साथ ही संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि उक्त सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में इस आशय का अंकन करना सुनिश्चित करेंगे। महिला बोगी से यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर हो रही कार्रवाई। ट्रेन में महिलाओं के लिए एक आरक्षित बोगी रहती है, लेकिन कई बार महिलाओं के इस आरक्षित बोगी में पुरुष यात्री भी अपना कब्जा कर लेते हैं। बार बार इन महिला बोगी में सफर करने पर पुरुष यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके अलावा कई अभियान चलाकर इन्हें महिला कोच में सफर करने के आरोप में रेल अधिनियम की धारा 162 के तहत हिरासत में भी लिया जाता है। पूर्व मध्य रेल से अभी तक 615 पुरुष यात्री हिरासत में लिए गए हैं। यदि ये 500 रुपए का जुर्माना नहीं भरते हैं तो इन पर आगे की कार्रवाई करते हुए इन्हें 6 महीने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। पटना जंक्शन के RPF प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि हर दिन ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया जाता है और इसी का नतीजा है कि महिला बोगी में सफर करने वाले पुरुषों को पकड़ा जा रहा है और उनसे जुर्माना लिया जाता है। पटना की गंगा नदी में नाव पलटने से 2 लोग लापता। बीते दिन राजधानी पटना में गंगा नदी में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल गंगा नदी में नाव पलटने से खबर लिखे जाने तक 2 लोग लापता रहे। ये हादसा मनेर के महावीर टोला स्थित गंगा घाट के नजदीक हुआ है। दियारा इलाके से 12 लोग नाव पर सब्जी लाद कर जा रहे थे, तभी नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। 10 लोगों ने तो किसी तरह तैर कर अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 लोग लापता हैं। मामले को लेकर मनेर थाना के पुलिस और SDRF की टीम खबर लिखे जाने तक जांच के लिए पहुंचकर तलाशी भी कर रही थी। लापता हुए 2 लोगों के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। बिहार में बेटियों से ज्यादा बेटे हैं डॉक्टर बनने के इच्छुक। मीडिया में मिली एक खबर के मुताबिक बिहार में लड़कियों से ज्यादा लड़के हैं जो डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं। देश के अधिकतर राज्यों में देखने को मिला है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां डॉक्टर बनने की इच्छुक हैं। इस बार के NEET UG परीक्षा में कुल 13,31,321 लड़कियों ने परीक्षा दी थी, तो वहीं 9,96,393 लड़के परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी देश में बेटियों की संख्या नीट के एग्जाम में सबसे अधिक थी। हालांकि बिहार में इसके उलट लड़कों की संख्या 72,661 रही और लड़कियों की संख्या 63,527 रही थी। चुनावी रैलियों को लेकर आज पटना आएंगे PM मोदी। आज एक बार फिर से अपने लोकसभा चुनाव को लेकर PM मोदी बिहार आ रहे हैं।
आज वे पटना आकर रात में राजभवन में विश्राम करेंगे। फिर वे 21 मई को सुबह सुशील मोदी के परिवार वालों से मुलाकात कर अपने रैलियों के लिए सिवान के लिए रवाना हो जाएंगे। 21 मई को पीएम मोदी की दो रैली होने वाली है, पहले सिवान में और दूसरी महाराजगंज में। सिवान में पीएम मोदी जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के लिए वोट अपील करेंगे और महाराजगंज में वे बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थन में वोट अपील करेंगे। पूर्व विधायक सतीश कुमार हुए आरजेडी में शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सहयोगी रहे पूर्व विधायक सतीश कुमार रविवार को राजद में शामिल हो गए। पटना राजद कार्यालय में राज्यसभा सांसद मनोज झा व राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सतीश कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इस दौरान मनोज झा ने दावा किया है कि अब तक हुए लोकसभा चुनाव को लेकर चार चरणों में इंडिया गठबंधन को एक जबरदस्त उभार मिला है। बता दें कि सतीश कुमार 3 बार विधायक रह चुके हैं, लोजपा रामविलास के नेता भी थे, लेकिन पार्टी में टिकट बंटवारे से नाराज होकर जमुई में से इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करने लगे। नीतीश कुमार को सीएम बनाने में सतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। सतीश कुमार ने 12 फरवरी 1994 को पटना में कुर्मी चेतना रैली की थी, यहां से नीतीश कुमार को सीएम बनाने का राह आसान हुआ था। आरसीबी को आईपीएल ट्रॉफी जिताने के लिए संन्यास से वापसी को तैयार क्रिस गेल। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सभी को हैरान करते हुए लगातार 6 मैच जीते और आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह बनाई है। ये टीम शुरुआती 8 मैचों में सिर्फ एक ही मैच जीत पाई थी, लेकिन इस टीम ने फिर लगातार 6 मैच जीते और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। आरसीबी को अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी जिताने के लिए आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल संन्यास से वापसी को तैयार हैं। गेल ने कहा है कि वो आरसीबी को जिताने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आने के लिए तैयार हैं। बता दें कि गेल शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद थे और उन्होंने मैच का पूरा लुत्फ लिया। इस दौरान वो टीम के ड्रेसिंग रूम में भी दिखे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 20 मई वर्ष 1900 में हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। आज के दिन भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के वीर सैनिक पीरू सिंह का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1929 में राजकुमार शुक्ल का निधन हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख लोगों में से एक थे। आज के दिन वर्ष 1932 में भारत में गरम दल के नेता और क्रांतिकारी विचारों के जनक विपिन चंद्र पाल का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1957 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और आंध्रा के प्रथम सीएम टी प्रकाशम का निधन हुआ था। जानिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो की क्यों लगती है लत। आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो के एकदम आदि हो चुके हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन शॉर्ट्स वीडियो और रील्स को देखने के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि कब घंटों बीत गए। आपको बता दें कि ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम की वजह से होता है। एल्गोरिदम एक के बाद एक आपको इन वीडियोस को दिखाता है जिसमें आपको रुचि होती है। एल्गोरिदम तय करता है कि यूजर की पसंद क्या है और फिर उसी हिसाब से आपको कई कॉन्टेंट दिखाए जाते हैं, इसलिए आप इसके आदि भी हो जाते हैं। आज देश में 5वें चरण के चुनाव को लेकर शेयर बाजार भी रहेंगे बंद। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आज देश में 5वें चरण का चुनाव है। आज के इस चुनाव को लेकर शेयर बाजार को भी बंद रखा गया है। बता दें कि आज 5वें चरण के चुनाव को लेकर देश में 49 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। जिन भी सीटों पर वोट डाले जाएंगे वहां के बैंक भी बंद रहेंगे। वोटिंग के कारण बीएसई सेंसेक्स एनएससी निफ्टी समेत भारत इक्विटी बाजार बंद रहने वाले हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी है 1925। इसका सही उत्तर है 1916। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की जिसका प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने के लिए किया था? ऑप्शन ए है सत्याग्रह, ऑप्शन बी है इंडियन वॉइस, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी है हरिजन। इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1910। इसका सही उत्तर 1906। 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राजकिशोर शुक्ल, ऑप्शन बी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है एनजी रंग।
इसका संयुक्त रस स्वामी सहजानंद सरस्वती। जयप्रकाश आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी उपायों के विरोध में किस साहित्यकार ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया था? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है रामरक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी है फणीश्वर नाथ रेणु। इसका सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है सादुल्ला पालवी, कृष्णा प्रसाद, कुंदन कुमार, सूरज कुमार, अखिलेश पासवान, श्रवण राज, राजकिशोर महतो, साधना देवी, अजमल अंसारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, दीपक कुमार, अखिलेश पासवान, श्रवण राज, बलवीर सिंह। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक प्लेऑफ में गए केकेआर, आरआर, एसआरएच और आरसीबी, इन चारों टीमों में कौन सी टीम जीतने की सबसे प्रबल दावेदार है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।